पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर गरीब तबके के श्रमिकों को तोहफा दिया है, तो वहीं व्यापारियों ने एक साथ मोदी का जन्मदिन मनाकर आगामी 2024 के चुनाव को एक राह दिखा दी है। आज मुरादाबाद के व्यापारियों ने एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काट कर मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर सभी व्यापारी जमकर थिरके। मुरादाबाद के व्यापारियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही जश्न की तरह मनाया। आज सभी व्यापारियों ने एक साथ मिलकर केक काटा और फिर प्रधानमंत्री मोदी के चित्र पर केक लगाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब थिरके और मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सद्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां अवतरण दिवस हम समस्त व्यापारियों ने बड़ी धूमधाम से बर्तन बाजार में मनाया और केक काटा। सर्वप्रथम सबसे पहले माननीय मोदी जी को चित्र पर खिलाया, उसके बाद सभी व्यापारियों को खिलाया, लड्डू बांटे और ढोले की थाप पर सभी व्यापारी ने डांस किया। हरीश भसीन, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। मोदी जी का 73वां जन्मदिन आप लोगों ने केक काटा है जी, देखिए आज व्यापार मंडल के लोगों ने पूरे बाजार में मिठाई का वितरण किया, केक काटा और उनके दीर्घायु होने की हमने ईश्वर से कामना की, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। और दूसरा आज का दिन व्यापारियों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं, हमारे छोटे व्यापारी बंधु जो छोटा छोटा कार्य करते हैं, कोई ढलाई का काम करता है, कारीगरों करता है, उसके लिए भी विभिन्न योजनाओं की आज शुरुआत की गई है। इसके लिए व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भी एक निर्णय लिया गया आज इस कार्यक्रम में कि हम सब लोग एक एक पत्र लिखकर आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि छोटे छोटे व्यापारियों का जिस प्रकार उन्होंने ध्यान रखा है। और 2024 तो आदरणीय मोदी जी का है, जिस प्रकार G22 हुआ है, शहर के अंदर G20 हुआ है, वो एक अपने आप में एक नया इतिहास रचा गया है। हिंदुस्तान की शान पूरे विश्व के नेता के रूप में हमारे आदरणीय मोदी जी आज उतरे हैं। हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।